डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक इतना पॉपुलर वर्ड है लेकिन इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म स्पेसिफिकली इन द मॉडर्न टाइम पीरियड क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ जब कोई बात लिंक की जाती है तो सिर्फ ये होती है कि वो एक स्पेसिफ़िक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर एलेक्शनस होने चाहिए और जहाँ लोगों के वोट से मुंतब नुमाइंदे आ जाएं तो ये डेमोक्रेसी कहलाती है बट हेयर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन स्पेसिफिकली दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स टर्म बींग यूज फॉर अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस पोलिटिकल सिस्टम एंड एथिकल आइडिया और अ सोशल कंडीशन वीअर फ्री पोलिटिकल पार्टिसपेशन एंड रिप्रजेंटेश आर मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पोलिटिकल सिस्टम यानी ये सिर्फ आपके मेरे मंतख नुमाइंदों तक महदूद नहीं है बल्कि जहाँ अदारे भी मौजूद हों अदारे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें लोगों की आवाज़ भी सुनाई दें उन्हें और इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक सोशल कंडीशन जो है ना वो डेमोक्रेसी की बेसिक एक रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक सोशल कंडीशन क्या होती है कि लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक बिहेवियर अगर होगा तो ही डेमोक्रेसी कहलाएगी यानी महज डेमोक्रेसी इज़ नथिंग बट एक्चुअली द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दे क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर डेमोक्रेसी सो द टर्म बेसिकली इट हैज़ बेसिकली टू कंपोनेंट्स ग्रीक टाइम पीरियड पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जहाँ डेमोस कहा जाता था इसको जहाँ इसका मतलब ये था पीपल यानी लोग और फिर इसके साथ साथ एक वर्ड जिस जिसको लिंक किया गया इसके साथ वो था क्रेटोस इट मींस द रूलर्स सो दिस वर्ड इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड देयर रूलर्स सो डेमोक्रेसी इज़ ए पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मैज पार्टिसपेशन एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस यानी इलेक्शंस के अंदर भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होंगी कैंडिडेट्स होंगे और फिर जहाँ पर बेसिक इंसानी और जो सिविक राइट्स हैं जो सिविल राइट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा वो सिस्टम जो है तब वो डेमोक्रेसी कहलाने के में कामयाब होगा So democracy in modern context is not only a system, rather an attitude. हमने अभी पहले भी बात की कि जहाँ डेमोक्रेसी को सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर समझा जाएगा तो वहाँ डेमोक्रेसी कभी भी अपनी मुकम्मल शक्ल में हमें नज़र नहीं आती बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ एन एटीट्यूड और एटीट्यूड से क्या मुराद है कि हम अपने अंदर कितने डेमोक्रेटिक हैं हम दूसरे लोगों को कितनी अहमियत देते हैं या उनकी राय की अहमियत हमारे नज़दीक क्या है ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं कोई भी माशरे के अंदर रहने वाले अफराद वो आपस में मजमू तौर पर एक दूसरे की जो ओपिनियन है उसको कितना वेटेज देते हैं उसके लिए कितने रिस्पेक्टफुल हैं बिकॉज डेमोक्रेसी प्रल्स इन द प्रेजेंस ऑफ

लोगों की पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगी तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है जहाँ डेमोक्रेसी अपनी भरपूर शक्ल में मौजूद है वहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पार्टिसिपेटरी होगा यानी लोगों की भरपूर नुमाइंदगी सिस्टम में मौजूद होगी सिस्टम के साथ या अगर वो सिस्टम को अपोज़ करेंगे तब भी सिस्टम उनकी आवाज़ को सुनेगा और उनके मसाइल या उनके इख्त को हल करने की एफ़र्ट जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद होगी और सिस्टम की कैपेबिलिटी और सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो बेसिकली हमें बताएगी कि वो निज़ाम कितना डेमोक्रेटिक है और उसके अंदर डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी के कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं